दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए मिडनाइट स्पेशल वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एफआईआई ने जमकर सेलिंग की, 1900 करोड़ की सेलिंग आपको देखने को मिली, लेकिन बाउंस बैक किसकी वजह से, डीआई की तरफ से 3200 करोड़ रुपए की बाइंग डाली। वहां पर 1700 करोड़ रुपए की ज्यादा बाइंग जो हुई है मार्केट के अंदर में, इसलिए जो है मार्केट में उतना बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिला जितना बड़ा करेक्शन होना चाहिए था। इसलिए शेयर्स के अंदर में आपको वापस से बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन सेंसेक्स जो है वो नीचे की तरफ चला गया था। शेयर नहीं गए थे, शेयर हमारे जो है वो स्टेबिलिटी पे बने हुए थे या फिर ऊपर की तरफ चल रहे थे बिकॉज ऑफ द डीआईआई। मैंने आपको कहा था कि डीआईआई जरूर से आपको बाउंस बैक करवाएगा। आगे चलते हैं। राखी झुंझुनवाला के तीन शेयर हैं जिन्होंने काफी अच्छा आपको प्रॉफिट दिया। पहला है टाइटन कंपनी, दूसरा है टाटा मोटर्स, तीसरा है क्रिसिल। तीनों के अंदर में काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिला है। लेकिन क्या है बात यहां पर ये होती है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ये तो आपका सबसे इनिशियल फेज है जहां पर शेयर्स ने अभी चलना स्टार्ट किया है, सो आपको यहां पर प्रॉफिट बुक 1% भी नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। ड्रग्स की तस्करी से अडानी पोर्ट को भी होता था फायदा, सो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं तो अडानी पोर्ट्स के अंदर में आ सकता है करेक्शन। सो करेक्शन आने से पहले कल मार्केट में आप खुलते ही अडानी पोर्ट्स अगर आपके पास है तो आपको सेल नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे आप कितना, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, के 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तक का जितना आप रिस्क ले सकते हो उसका आप मार्केट खुलते ही आप स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर बहुत ज्यादा तेजी से फॉल होता है या फिर होता ही सर्किट के अंदर में ओपन है तो आप जो है सेल करेंगे इस शेयर को। अब यहाँ पर बात करते हैं संजीव भसीन जी की। तो संजीव भसीन जी क्या कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जो है दो शेयर जो है वो बेसिकली ऑटो सेक्टर के अंदर में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है भारत फोर्ज, ठीक है, जिसका टारगेट उन्होंने दिया 785 का और आप उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 731 का, ठीक है, अभी फिलहाल करंट रेट ये चल रहा है। उसके अलावा दूसरा टेक महिंद्रा, जिसका करंट रेट आपको ये चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 1372 का, टारगेट दिया जा रहा है 1450 रुपए का। तो आप इन दोनों के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग आप चाहें तो संजीव भसीन जी के हिसाब से कर सकते हैं। पेड ग्रुप के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग मैं देता हूँ आपको, आप चाहें तो पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर में ऑलमोस्ट सारे ट्रेड जो है अब तक अपना टारगेट हिट कर चुके हैं विद इन वेरी स्मॉल टाइम, विद इन लेस देन 1 वीक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दो अलग कंपनियों की, जिसका नाम है पहला आइनॉक्स लेजर और दूसरा है आईटीसी। दोनों ने अपने लिए पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप ये की है कि आइनॉक्स लेजर के अंदर में जितना भी फूड आइटम जो है वो ब्रेवरेज से रिलेटेड वो जाएगा आईटीसी के थ्रू। तो आईटीसी और इन दोनों ने की है पार्टनरशिप बिकॉज सिनेमा हाउसेस ओपन होने वाले हैं विद 100% कैपेसिटी इन मुंबई, जिसकी वजह से आपको आइनॉक्स लेजर में और पीवीआर के अंदर में 10% का सर्किट देखने को मिला था सेम डे पर। आगे चलते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर में बहुत ही बड़ी न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, गेम चेंजर न्यूज है, ठीक है, कल के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला रिवाइवल प्लान, प्रमोटर्स में इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन वोडाफोन आइडिया सेज गवर्नमेंट एक दिन पहले। लेकिन अभी जस्ट 11 बजे एक अपडेट हुई है न्यूज जो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने साफ मना कर दिया कि प्रमोटर्स का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अपनी कंपनी में इतना बड़ा पैसा डालना चाहते हैं। तो ये देगा नेगेटिव इंपैक्ट, कल मार्केट में खुलते ही वोडाफोन आइडिया होगा नीचे की तरफ में ड्रैग। तो आपको ध्यान रखना है, आपको शेयर सेल नहीं करने जाते तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, सो अपने आप से शेयर सेल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी की। एंड आईआरसीटीसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो 3940 के आसपास में, मैंने कहा था प्रॉफिट बुक मार लो, यहाँ से शेयर नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 रुपए ड्रैग कर चुका है, अभी भी इसमें ड्रैग आना बाकी है। वापस से ये 3500 या 3600 के लेवल तक आ सकता है, वहां से इसमें बाइंग वापस आ सकती है। लेकिन मैं आज इसको क्यों कवर कर रहा हूँ, पहला एक तो प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी मैंने, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग भी होती है इसमें, जैसे आपने 3900 पर बेच दिया होता उस टाइम पर और अब खरीद लेते लोअर प्राइस पे तो वो आपका डबल मुनाफा होता, जो मुनाफा आपने कमा लिया और जो मुनाफा जो आप इसको कम प्राइस में वापस से आप इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। इस शेयर के ऊपर में फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी आ गई है रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट। यस, स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आ गई है और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है 29th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, आप डाल के रख ले 29th ऑफ अक्टूबर इसकी स्टॉक स्प्लिट की डेट आ गई है। सो वो रिकॉर्ड डेट है, उससे आपके पास में लास्ट आप इस शेयर को खरीद सकते हैं 24-25 तारीख तक, ताकि वो आपके 2 दिन लेंगे अकाउंट में क्रेडिट होने के, बकायदा उसके बीच में सैटरडे संडे ना हो। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर में डेरिवेटिव्स के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट, बैंक निफ्टी, टाइटन, बहुत सारी कॉल्स आपको देखने को मिली, दो कॉल लॉस की थी,
टोटल 11 कॉल थी, 11 के अंदर में से 2 कॉल लॉस की बची 9, तो टोटल प्रॉफिट जो कॉल आप कहेंगे वो बचेंगी 7, 7 कॉल जो है वो प्योर प्रॉफिट की बची है। सो उससे जो फायदा आपको हुआ है वो हुआ है कितना, 12,750 का। सो मैं अगर आपको कहूँ इसका 40% आप निकाल के रखें, सो आप 5,000 या 5,500 का आपने प्रॉफिट तब भी कमाया है जबकि आप 40% निकाल लेते हैं, उसके बाद भी आप 4-5 हज़ार रुपए तक कमा रहे हैं आप प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, 1 हफ्ते चाहे तो आप सीख सकते हैं उससे, ज्वाइन करने के बाद में पेपर ट्रेड कर सकते हैं एंड देन आप उसमें रियल टाइम में आप एंटर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद ज्यादा रहेगा जो लोग नए हैं उनके लिए। सो ऐसा कुछ नहीं, हार्ड कुछ नहीं, सारे लेवल्स दिए जाते हैं, कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कब आपको वहां से प्रॉफिट बुक करके निकलना है, कब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, सब कुछ सारे लेवल दिए जाते हैं। आज ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नेक्स्ट मंथ से फीस की बढ़ जाएगी। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपीज़ पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में, अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है? और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है? ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरो था दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है? जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है? 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1,50,000 रुपये जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से कभी जीरोदा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है? लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में जिसके अंदर आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमैट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस थैंक यू सो मच।